सुप्रभात बच्चों, पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। सारे बच्चे आ जाइए जल्दी जल्दी और बैठ जाइए। रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए? तो निकालिए अपनी अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर। और पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, देखा था अपनी क्लास? तो ध वर्ण के बारे में पढ़े थे और उससे शब्द बनाए थे। आज हम न वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और उससे शब्द बनाएंगे। तो आइए वर्णों से शब्द बनाएं। वर्णों से शब्द बनाएं। तो हम लोगों ने त, थ, द, ध इन चारों वर्णों से शब्द बना चुके हैं। अब बनाएंगे न से, ठीक है? अब न से बनाएंगे शब्द। तो देखिए न से कौन कौन से शब्द होते हैं। चलिए न लिखते हैं। न से नमक क्या होता है बच्चों? न से नमक, बोलिए इसे, न से नमक। फिर दूसरा न से क्या होगा? नाग। क्या होगा? न से नाग। फिर न से तीसरा शब्द नल। क्या होगा? नल। चौथा शब्द न से नयन, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने चार शब्द लिखा न से। न से नमक, न से नाग, न से नल, न से नयन, न से नमक सबको भाता, सब्जी का ये स्वाद बढ़ाता। नमक क्या करता है? सब्जी का स्वाद बढ़ाता है। बिना नमक के सब्जी अच्छी लगती है आपको? नहीं ना। हम कोई भी सब्जी क्यों ना बनाएं, उसमें नमक डालते ही हैं, ठीक है? बिना नमक की सब्जी नहीं बनाते हैं। खाने में नमक के बिना स्वाद नहीं आता और अधिकता स्वाद बिगाड़ जाती है। नमक अगर हम नहीं डालते हैं तो खाने का स्वाद भी नहीं आता है, उसका टेस्ट भी नहीं आता है और सब्जी जो है उसका सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता, हम उसे नहीं खा पाते हैं। क्या सही बात है ना? तो नमक हम लोग के लिए फ़ायदेमंद भी है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को रोज़ नमक डाला हुआ सब्जी खाना चाहिए। चलिए अब ना से क्या है? नमक, ये तो जान गए आप, जो सब्जी में डाला जाता है। फिर ना से नाग। ना से क्या है? नाग। नाग देखिए बुक में क्या है? नाग मतलब सांप। सांप को हम नाग भी बोलते हैं। जैसे नाग पंचमी पूजा होती है तो नागों की पूजा होती है। फिर ना से नल। ना से नल क्या है बताइए? ना से नल में क्या आता है? पानी। फिर ना से नयन। ना से नयन किसे बोलते हैं? आँख को। देखिए बुक में है ना चित्र, ना से नयन यानी आँख, जिसके सहारे हम पूरी दुनिया को देखते हैं और हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो बिना आँखों के हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है? और हमें बहुत परेशानी होती है जिनके पास आँख खराब हो जाती है या उन्हें नहीं दिखता है। तो आँख भी हमारे शरीर के अंग का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नमक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले है, नमक का स्वाद कैसा होता है? सबको पता है ना, नमक का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? नमक का स्वाद कैसा होता है बच्चों? नमकीन। कैसा होता है? नमकीन। ठीक है ना, नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। फिर दूसरा है, नमक किस रंग का होता है? ये भी आपको पता है ना, नमक किस रंग का होता है? तो सफ़ेद, उजला। ठीक है, कैसा होता है? सफ़ेद, जिसे हम उजला बोलते हैं। फिर नमक कहाँ बनता है? ये तो पता आप लोगों को, शायद कम ही बच्चों को होगा। नमक कहाँ बनता है बताइए बच्चों? नहीं पता है नमक कहाँ बनता है? तो नमक समुद्र में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? समुद्र में। अब है, नमक किस काम आता है? मतलब नमक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? नमक किस काम आता है? नमक किस काम आता है बच्चों? खाने में डाला जाता है। ठीक है, नमक खाने में डाला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसे हम पढ़ लेते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। नासे नमक, नासे नाग, नासे नल, नासे नयन, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। एक वर्ण से हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नासे नाना, नासे नानी, जो बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे होते हैं। और फिर नासे नथ, नासे नाम, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। हम याद करेंगे, ध्यान में लाएंगे तो ज़रूर आता है। तो ना से भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ना से क्या होता है? नमक। ना से नाग, ना से नल, ना से नयन। अब नमक का स्वाद कैसा होता है? नमक का स्वाद नमकीन होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे नमक का स्वाद, नमक का टेस्ट कैसा होता है बच्चों, तो क्या बोलिएगा? नमकीन।
मीठा या खट्टा मत बोलिएगा, ओके, या फिर तीता नहीं बोलिएगा। नमक का स्वाद नमकीन ही होता है हमेशा। फिर नमक किस रंग का होता है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नमक बस उजला कलर का ही होता है, एक ही रंग का, सफ़ेद, उसी को उजला बोलते हैं। तो उसमें आप लाल, हरा, पीला, नीला नहीं बोलिएगा, सिर्फ और सिर्फ उजला ही बोलिएगा, यानी सफ़ेद। फिर नमक कहाँ बनता है, तो नमक समुद्र में बनता है, ठीक है। नमक किस काम आता है, तो ये तो पता है आपको, नमक खाने के काम में आता है, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या नमकीन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें नमक डालते ही हैं, और ज़्यादा लोग नमकीन ही पसंद करते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं नमकीन, ठीक है। जैसे आप लोग छोटे बच्चे समोसे बहुत खाते हैं, वो नमकीन होती है, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, ये सब बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो बहुत ही नमकीन होती है और आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन नमकीन में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादातर यही सब खाएं, ये सब चीज़ें हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होता है, तो हम ज़्यादा कुरकुरे, चिप्स, मैगी, समोसे वगैरह ये सब नहीं खाएंगे। मार्केट से जो भी सामान आता है उसे हम लोग कम खाएंगे। घर में अगर बना हुआ मिलता है तो थोड़ा बहुत खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा ऑयली चीज़, मसालेदार चीज़ और ये सब कुरकुरे वगैरह मत खाया कीजिएगा, ये आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा ना से नमक के बारे में और भी इन वर्णों से जो जो शब्द होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक खूब पढ़िए मन से। बाय बच्चों।